हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन इन माय चैनल इक्विटी स्टार। गाइज, आप लोग को जैसा कि मैंने बताया था, हर संडे मैं कुछ ना कुछ आप लोग के लिए स्पेशल करता ही हूँ। तो इस संडे भी आप लोग के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी वीडियो आ गई है। और गाइज, मैं ये स्ट्रेटजी वीडियो जो मैं आप लोग को इससे पहले प्राइस एक्शन 1.0 बताया था, उसी का ये पार्ट टू है। मतलब प्राइस एक्शन 2.0 स्ट्रेटजी है, जो कि काफ़ी पावरफुल है। जो भी इंडिकेटर है या फिर कोई सपोर्टिव पॉइंट्स ऐसा है जिसकी हेल्प से आप बाय सेल ऐसा करते हैं, जो कि दुनिया में बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, आप लोग को गारंटेड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक भी आदमी इस शेयर मार्केट में उसके हेल्प से सक्सेस नहीं है। तो गाइज, कोई भी इंडिकेटर या कुछ भी आप यूज करके बाय सेल कर रहे हैं, या आप लोग को गलत फहमी में आपका सारा पैसा को लॉस में कन्वर्ट कर रहा है, आप लोग इस पर नहीं जाइए, प्योरली प्राइस एक्शन पे आइए। और खास करके मैं जितने भी स्ट्रेटजी आप लोग को दे रहा हूँ, बिल्कुल ही जेन्युइन और वो उस पर काम किया हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, किसी एक भी स्ट्रेटजी की, मेरी जितनी स्ट्रेटजी आप बताए हुए हैं यूट्यूब चैनल में, एक भी स्ट्रेटजी को आप अपने लाइफ में 100% परफेक्टली अप्लाई करना सीख गए ना, आप, मैं 100% श्योर हूँ गाइज, आपकी लाइफ बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव वे में। ठीक है, आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी आप ले लो। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही मैं बोलूँगा कि ये पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वीडियो है। और गाइज, इस स्ट्रेटजी में मैं एक बात आप लोग को बता दूँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, शुरू से लेके लास्ट तक देखने की कोशिश करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रेटजी के बीच में मैं जो कुछ भी एक्सप्लेन करता हूँ, कोई चीज़ भूल जाता हूँ या फिर वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, तो मैं जस्ट एग्जाम्पल कहीं ना कहीं वीडियो में ज़रूर मैं बता देता हूँ। तो जैसे ही आप लोग समझे कि मैं थ्योरी समझ गया, अब जाके डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, वहीं पे जाके आप मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि आप वीडियो पूरा देखे नहीं रहते हैं, आपको पता नहीं रहता कि कहीं पे मिस्टेक जो किए वो हुआ क्यों है। फिर आप जाके कमेंट करते हैं, सर ये स्टॉप लॉस हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, काम नहीं कर रहा है। आप लोग से एक ही प्रोमिस है, वीडियो को करेक्टली देखिए और परफेक्टली देखिए, कंप्लीटली देखिए, राइट। उसके बाद आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको, मतलब देखने के साथ ही, आपको डिजाइन करने की जरूरत नहीं, देखने के साथ ही पता चल जाएगा, हाँ ये स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और गाइज, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर ये सेटअप कहीं भी आता है तो ही आप अप्लाई कीजिए, नहीं तो इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जिस स्टॉक में आता है तो, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कोई भी पैटर्न बना ही नहीं आप अप्लाई कर रहे हैं, राइट। और गाइज, अगर आप इस चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। गाइज, चैनल में जो भी बातें होगी, मेरी वीडियो थोड़ा लेट से आएगा या कम लेट से जो भी हो आएगा, इसलिए कि मैं उसमें अपना खुद का टाइम देता हूँ, पहले रिसर्च करता हूँ, आपको, आप लोग के लिए कुछ भी मैं यहाँ पे लाता हूँ, अपना 100% देता हूँ गाइज। तो इसको परफेक्टली आप अपने लाइफ में अप्लाई करें और शेयर मार्केट में आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज होने वाली है और चेंज होके रहेगी गाइज। अगर मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, मेरे पैटर्न को फॉलो करते हैं, मेरे वे ऑफ ट्रेडिंग को फॉलो करते हैं गाइज, तो आप सिंपली इस जो भी चैनल में आप लोग को परफेक्टली आता है उसको वॉच कीजिए करेक्टली और अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए उसको हमेशा, ठीक है। और इससे पहले गाइज, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। वहां मैं लाइव मार्केट जो चलता है गाइज, उसमें मैं अपना चार्ट जो भी बनता है उसका व्यू पोस्ट करते रहता हूँ, और मैं वहाँ पे कुछ सजेशंस भी देता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो वहाँ पे आके आप लोग उनका बेनिफिट्स ले सकते हैं। और गाइज, आप मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करके मेरे प्रीमियम सपोर्ट ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और वहाँ पे आके मेरे जो भी सपोर्टिव पॉइंट्स है वहाँ पे सारे का बेनिफिट आप ले सकते हैं। आइए गाइज, इससे पहले मैं आप लोग को बताऊँ कि वो स्ट्रेटजी कैसे क्या परफॉर्म करता है, कुछ थ्योरी बताता हूँ, उसके बाद चलते हैं डायरेक्टली उसके एग्जाम्पल पे। गाइज, यहाँ पे मैं कुछ थ्योरी पॉइंट्स है उन स्ट्रेटजी के मैं बता दूँ। स्ट्रेटजी का नाम है डबल बॉटम और डबल टॉप, राइट। तो ये गाइज, मतलब ये जो मैं पहले यहाँ पे एक साइड में देखिए डबल बॉटम को बनाया हूँ और दूसरे साइड में डबल टॉप को, और डबल बॉटम डबल टॉप कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्टॉक में अगर ये ऐसा, पहले डबल बॉटम की बात करते हैं गाइज, किसी भी स्टॉक में अगर ये इस तरीका से बनता है, मतलब डबल बॉटम, मतलब बॉटम दो बार यहाँ पे इस डबल, इस ये जो लाइन है बेस लाइन जिसको बोलते हैं, इस लाइन पे दो बार टच होना चाहिए, राइट। उसके बाद क्या होता है, जैसे मार्केट ऊपर से गिरता है, फिर एक हाई बनाता है, एक हाई पॉइंट होता है, फिर नीचे गिरता है, डबल बॉटम क्रिएट हो जाता है, उसके बाद इस बीच में जो ये सपोर्ट लाइन होता है गाइज, वहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, राइट।
ये बाइंग पॉइंट है। उसके बाद स्टॉप लॉस क्या होगा, डबल बॉटम का जो बेस लाइन है वो स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहां से जो टारगेट की बात करते हैं हम लोग, टारगेट पॉइंट कितना लेना चाहिए यहां से, तो गाइज बॉटम लाइन और ऊपर जो ये हाई है इसका बीच वाली, इसके बीच का जितना भी डिस्टेंस होता है बाइंग प्राइस से हम लोग उतना ही डिस्टेंस ऊपर टारगेट लेते हैं, राइट। तो ये टारगेट पॉइंट हो गया। अब गाइज यहाँ पे डबल टॉप की बात करते हैं। डबल टॉप में क्या है, इसका जस्ट इन्वर्टेड है, मतलब यहाँ पे जो बनता है डबल बॉटम उसका इन्वर्टेड कंडीशन डबल टॉप में बनता है। तो डबल यहाँ पे डबल बॉटम में हम लोग बाइंग साइड के लिए जाते हैं और डबल टॉप में सेल साइड के लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे गाइज नीचे से मार्केट ऊपर जाता है, एक बार टच करके फिर एक हाई लगाता है छोटा सा नीचे डाउन साइड में, फिर एक दूसरी बार टच करता है, तो गाइज यहाँ पे एक डबल टॉप कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये डबल टॉप बनने के बाद ये कि बीच वाली जो हाई कंडीशन होता है, हम लोग जैसे ही यहाँ पे एक ये जो रेसिस्टेंट लाइन है नीचे, जो डबल टॉप बनाने के बाद जो नीचे कन्वर्ट होता है गाइज, उसके बाद एक रेसिस्टेंट लाइन होता है जहाँ पे हम लोग सेल साइड सेल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे जैसे ही सेल करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो डबल टॉप बनाया है वो स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। अब गाइज ऊपर वाला ये स्टॉप लॉस हो गया और हमारा टारगेट पॉइंट जो होगा वो यहाँ से डबल टॉप जो बनाया हुआ है उसका बेस लाइन से ये जो बीच वाली हाई है इस बीच का डिस्टेंस जितना है सेल साइड में, हम लोग वहां से इसके नीचे तक का टारगेट देखेंगे, राइट। हमेशा गाइज आपको 1% और 2% इसमें टारगेट एटलीस्ट देगा। और ये जो डिस्टेंस है ना बीच वाली, ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ये लगभग 1% जो भी जितना भी पॉइंट होगा उतना टारगेट आप लोग को मिल जाएगा। इस थ्योरी के बाद हम लोग इसको अप्लाई करेंगे एज ए एग्जाम्पल में देखेंगे कि हम लोग ये कैसे सूटेबल है। गाइज मैं एक बात हमेशा बताता हूँ आप लोग को, अगर ये सेटअप कहीं पे परफेक्टली बनता है, ज़बरदस्ती आप लोग मत बनाइए कि कहीं भी हाँ यहाँ बन रहा है, अगर परफेक्टली ये आ रहा है तो आप लोग 100% उसको अप्लाई कीजिए, हमेशा वो 100% नो लॉस स्ट्रेटजी है गाइज। आपको नो लॉस स्ट्रेटजी मतलब आपको स्टॉप लॉस इसमें कभी हिट ही नहीं होगा, लेकिन परफेक्टली सेटअप आना चाहिए, राइट। ये कैसे होगा, ये आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे गाइज ये आपको उतनी ही ज्यादा बेटर वे में आते जाएगा, राइट। तो अभी हम लोग इसको जस्ट एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करेंगे, थ्योरी बस ये है और कुछ कुछ पॉइंट जो मैं मिस कर रहा हूँ आप लोग को अभी थ्योरी में अभी एग्जांपल में पता चल जाएगा सारी बातें। आइए देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे गाइज ये सबसे पहला एग्जांपल जो मैं ले रहा हूँ वह डिवीज लैब है, जिसको मैं 30 जुलाई की एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन देखिए, यहाँ पे नीचे आया है फिर ऊपर गया है फिर नीचे आया, ठीक है, बहुत ही सेपरेटली और क्लियरली दिख रहा है। जैसा मैंने आप लोगों को सेटअप डबल बॉटम का बताया है उसी तरीका से ये नीचे आया है फिर ऊपर गया है थोड़ा सा फिर नीचे आया, ठीक है। तो मेरा बाइंग साइड जो होगा यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट लाइन है, ये वाली लाइन बीच वाली, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा जो है ना बाइंग पॉइंट हो जाएगा। बाइंग पॉइंट कब हम देखेंगे, जब यहाँ पे नीचे आएगा एक बार, यहाँ पे डबल बॉटम को टच करेगा फिर ऊपर जाएगा, दूसरी बार आएगा फिर टच करके जब ऊपर जाने के मूड में रहेगा तभी हम लोग बाय के लिए जाएंगे, राइट। आप लोग समझ गए मतलब कि हम लोग ग्रीन कैंडल पर ही बाय साइड देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही बाय करेंगे स्टॉप लॉस मेरा डबल बॉटम का जो ये बेस लाइन है नीचे वाली हो जाएगी और टारगेट जो मेरा होगा इसके इसके बीच का हो जाएगा। अब देखिए टारगेट कितना दिया है यहाँ पे, लगभग यहाँ पे गाइज 25-23 चल रहा है प्राइस और टारगेट जो है यहाँ पे 25-75 50 पॉइंट का टारगेट यहाँ से यहाँ तक का दे दिया है, राइट। ये डबल बॉटम का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे गाइज एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जुबिलियन फूड को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 14 अगस्त को, राइट। यहाँ पे देखिए गाइज ये देखिए यहाँ से ये कैंडल आना शुरू हुआ है, यहाँ पे ये बहुत बड़ा डोजी कैंडल एक तरह से हैमर बोल सकते हैं, पहली बार मार्केट खुला ही ओपन होने के साथ ही ये बनाया, फिर ऊपर आया फिर उसके बाद ये ऊपर गया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ना डबल टॉप क्रिएट कर रहा है, देख रहे हैं परफेक्टली यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर भी गया है लेकिन ये इसमें वॉल्यूम नहीं होने के कारण हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये डबल टॉप बना दिया, उसके बाद नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंट लाइन है, ठीक है। रेसिस्टेंट लाइन कैसे बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारा कैंडल प्रीवियसली भी मिला हुआ है, क्योंकि इससे पहले इसके बाद तो कैंडल होगा नहीं, यहाँ तक हम मार्केट में हैं लाइव चल रहा है मे बी। तो यहाँ पे जैसे सेल किए तो मेरा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा डबल टॉप का जो बेस लाइन ऊपर वाली है, राइट। और सेल करने के बाद आप लोग गाइज देखिए यहाँ पे यहाँ से इसका हाइट हो जाएगा, यहाँ से इसका,
ठीक है, ये जो बीच का डिस्टेंस हो जाएगा मेरा टारगेट हो जाएगा, और टारगेट जो है यहाँ पे डन हो जा रहा है। ठीक है, तो मेरा टारगेट लेकिन मिला कहाँ, अगर हम 1890 पे यहाँ पे सेल किए हैं तो यहाँ तक मार्केट 1860 मतलब 30 पॉइंट का टारगेट मिल गया। मेरा जो टारगेट था वो लगभग यहाँ पे कितना 10 to 15 पॉइंट ही था, जो कि 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गया है। राइट, तो ये डबल टॉप का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से तरीका से गाइज, अगर सेटअप परफेक्टली बनता है तो हम लोग जाएंगे। हर जगह सेटअप नहीं बनता है, हर दिन नहीं बन सकता है, ठीक है, लेकिन जिस दिन बनेगा तो आप लोग को 100% ये प्रॉफिट देके जाएगा, ये मेरा गारंटीड है। आप लोग को बस एक ही काम करना है, प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा। राइट, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप इसको अपने लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे करेक्टली। अब गाइज यहाँ पे देखिए, मैं एक एग्जाम्पल आप लोग को और शो कर रहा हूँ, ये हीरो मोटर कॉर्प का है। बाय गाइज मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग को जितने भी यहाँ पे मतलब बाय द वे प्रैक्टिकल जो भी होगा डाउट आप लोग का क्लियर होगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से अपने लाइफ में इसको जो है एनालिसिस कर पाएंगे डेली बेसिस पे। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे आपको आपको अभी नया है, आपको हमेशा लगेगा कि डबल टॉप डबल बॉटम ही बन रहा है, लेकिन करेक्टली कैसे बनता है, परफेक्टली कैसे बनता है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए कितना परफेक्टली मतलब आया है ऊपर से नीचे, उसके बाद एक बॉटम बनाया है, फिर एक हाई बनाया है, फिर एक बॉटम बनाया है, मतलब बहुत ज्यादा परफेक्ट गाइस, ये तो मतलब 100% परफेक्ट है। डबल बॉटम क्रिएट किया, फिर ऊपर जाने के मोड में, जैसे ग्रीन कैंडल यहां से बॉटम बनाने के बाद ऊपर जाना जाने लगा, वहां पे जो ये सपोर्ट लाइन है, ठीक है, ऊपर वाले यहां पे इसका ये बीच वाली, और यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट लाइन को बहुत ज्यादा पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट लाइन बन गया, सपोर्ट लाइन पे ही हम लोग बाय करेंगे। राइट, और उसके बॉटम बेस लाइन जो ये बॉटम जो है डबल बॉटम, वहां पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। और गाइज आपको यकीन नहीं होगा, आप देखिए यहाँ पे जो इसका टारगेट होगा, ये बीच वाली जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई आप ले लो, यहीं पे ले लो मतलब बॉटम में ही ले लो, और 2734, इसका जो बॉटम है 2725, मतलब 12 पॉइंट का टारगेट है। ठीक है, और यहाँ पे बाय होने के बाद कितना पे हुआ, 2735 पे बाय हुआ, और जो जो हाई लगाया गया 2790 92 35 और 92, समझ रहे हैं, 50 55+ पॉइंट का यहाँ पे टारगेट आप लोग को दे दिया है, लेकिन मेरा टारगेट क्या था, 12 पॉइंट। तो गाइज ये हमेशा आपको अगर परफेक्टली कहीं बन जाता है, आप लोग आंख बंद करके ब्लाइंडली इस पे ट्रस्ट करके अपने इसमें एनालिसिस में अप्लाई कर सकते हो, आप लोग को 100% टारगेट देगा ये। स्टॉप लॉस आप देख लो, यहाँ पे अगर बाय हुआ है 2735 2726, मतलब 8 to 9 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। टारगेट हमारा हमेशा 1% और 2% होता है, यहाँ पे 55+ पॉइंट का टारगेट है। राइट, अब गाइस यहाँ पे मैं ये लास्ट एग्जांपल आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग इस पे जितना ज़्यादा होता है प्रैक्टिस कीजिए, ये 100% काम करेगा। और आप लोग को, और गाइस एक बात और बता दूँ, इस प्राइस एक्शन सीरीज का अभी 2.0 ही स्ट्रेटजी है, इसका अभी बहुत ज़्यादा सीरीज आने वाला है और बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रेटजी आने वाली है। तो गाइस चैनल को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना ना भूले। राइट, अभी देखते हैं ये लास्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखिए डबल बॉटम क्रिएट हुआ है, कैसे हुआ है, तो पहले दूसरे दिन ही मतलब यहाँ पे 19 अगस्त को ही इन्होंने एक लो बना दिया था, लो बनाने के बाद हाई भी बना दिया था, उसके बाद जैसे ही 20 अगस्त को मार्केट ओपन हुआ है तो गए ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ये जो बॉटम था प्रीवियस डे का, उस बॉटम को अच्छे से कितने अच्छे से परफेक्टली रिट्रेस किया है आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ग्रीन कैंडल पे मैंने बोला है, नीचे से अगर ऊपर जाने लगता है ग्रीन कैंडल, वहां पे जो हमारा सपोर्ट लाइन होता है वहां पे बाय करेंगे। राइट, तो यहां पे देखिए सपोर्ट लाइन पे बाय हो गया, और बाय होने के बाद आप लोग देखिए यहां पे बॉटम में टॉप डबल बॉटम जो बनाया वो कहां पे 1006 है। ठीक है, और यहां का जो है ये लो जो है यहां का है 1015, मतलब 9 पॉइंट का यहां पे गैप है, 9 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। यहां पे जैसे ही बाय किए हम 1012 पे, 12 और 9 कितना होता है आप लोग को 20, यहां पे देखिए यहां पे हाई जो लगाया गया आज 1038,
समझ रहे हैं, 9 पॉइंट का टारगेट गाइज हम लोग को लेना है यार यहाँ पे 1012 से लेके 38 गाइज, मतलब 24.5 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट आप लोग को डन कर दिया। ओनली 9 पॉइंट का टारगेट चाहिए था। तो गाइज ये सेटअप जैसे ही आप लोग को बनता है, आप लोग बेधड़क आंख बंद करके ब्लाइंडली इस पे ट्रस्ट करके आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है गाइज, इतना ज़्यादा पावरफुल है, अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं कभी भी और आप लोग को टारगेट डन होता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए गाइज। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर गाइज वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइज कमेंट में मुझे जरूर बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं अपने कभी भी शेयर मार्केट में और उससे बेनिफिट्स होता है, कोई भी अगर आप लोग को इशू भी आती है, कोई सजेशंस, कोई क्वेरी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उनका रिप्लाई दूंगा। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।